जिला पदाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार ज्ञापांक 2625 दिनांक 23 सितंबर 2019 के अनुसार गुरुवार को अलीनगढ़ थाना परिसर में थाना अध्यक्ष रामनारायण पासवान की मौजूदगी में अंचला अधिकारी सह दंडाधिकारी राजीव रंजन की मौजूदगी में 74.50 लीटर शराब को नष्ट किया गया, जिसमें नेपाली शराब की मात्रा 36.90 लीटर व विदेशी शराब की मात्रा 24.66 लीटर। वहीं अन्य छापामारी में जब्त शराब 3 लीटर को भी इसी में नष्ट किया गया। खबरों की पुष्टि अलीनगर अंचला अधिकारी ने की है। कांड संख्या जो देसी विदेशी और नेपाली शराब बरामद हुआ था, उन सभी शराबों का विनिष्टीकरण आज थाना बीते 2 महीना से टूटा हुआ है घनश्यामपुर का पश्चिमी तटबंध। यातायात पूरी तरह है बाधित। घनश्यामपुर का पश्चिमी कमला तटबंध विगत 2 महीना से टूटा हुआ है, जिसके कारण एक गांव से दूसरे गांव जाने का रास्ता पूरी तरह से बाधित है। ग्रामीणों ने अपने श्रमदान से यहां बांस बल्ले के सहारे एक चचरी पुल का निर्माण करवाया, जिससे कि लोगों को कम से कम पैदल चलने में सहूलियत हो सके। आम आदमी पार्टी के नेता ने इसको लेकर बिहार सरकार को घेरा है। बिहार सरकार लाखों करोड़ों का रकम बाढ़ आपदा प्रबंधक पर खर्च करती है, बावजूद की स्थिति जस का तसी बना रहता है। पश्चिमी कमला तटबंध के टूटे पूरे 2 महीने के बाद भी आज तक एक गांव से दूसरे गांव तक जाने का समुचित व्यवस्था नहीं हो पाया है। अलीनगर प्रखंड मुख्यालय में चल रही शिक्षक नियोजन को लेकर कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा स्थापना शाखा बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 5/7/2019 एवं 10/98 दिनांक 22/8/19 तथा निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1125 दिनांक 29/8/19 के अंतर्गत वर्ष 19-20 में नियोजनार्थ प्रखंडवार एवं कोटिवार रिक्तियां वर्ग 6 से 8 विषय हिंदी के लिए 35, अंग्रेजी विषय के लिए 43, विषय संस्कृत के लिए 36, गणित विज्ञान के लिए 52 एवं विषय सामाजिक विज्ञान के लिए मात्र 22 रिक्तियां हैं, जबकि वर्ग 1 से 5 तक के लिए सामान्य शिक्षक के लिए केवल 41 रिक्तियां हैं। बावजूद कि अब तक वर्ग 6 से 8 हिंदी के लिए 318, अंग्रेजी के लिए 280, संस्कृत के लिए 86, सामाजिक विज्ञान के लिए 1647, मैथ और साइंस के लिए 602, वहीं वर्ग 1 से 5 के लिए अब तक 2015 आवेदन किए गए हैं। अलीनगर मुख्यालय से बिल्कुल सटा अलीनगर का प्राथमिक विद्यालय बसबा, जो कि अपने रास्तों को आज भी तरस रहा है। ये विद्यालय अलीनगर पंचायत के टोला काजिमपुर में अवस्थित है। विद्यालय पर जाने का एकमात्र रास्ता है, वो भी आजकल पानी से घिरा हुआ है। विद्यालय जाने के लिए जांग भर पानी पार करके जाना पड़ेगा, अन्यथा आप वापस घर लौट जाए। ऐसे में विद्यालय के पठन पाठन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय जाने के लिए हर हाल में पानी तैरना ही पड़ेगा। वैसे परिजन डर के मारे बच्चों को विद्यालय जाने से भी परहेज कर रहे हैं। अब आइए सुनिए ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है? अच्छा, पीछे तुम्हारे क्या है, वो स्कूल है? अच्छा, इसमें इसी स्कूल में तुम पढ़ती है जी। तो तुम स्कूल कैसे जाती है पढ़ने? पानी में खेलकर। अच्छा, ये पानी के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है? नहीं है। कितना पानी होता है? इतना कितना पानी होता है बताओ। तो इतना पानी में तो तुम्हारा तो कपड़ा भींग जाता होगा रोज। फिर कैसे जाती है? क्या नाम है तुम्हारा? पिताजी का नाम? भोले। क्या भोले मुखिया? कौन क्लास में पढ़ती है? तीसरा। संजय मुखिया। अच्छा, ये जो पीछे जो है वो जो बिल्डिंग दिख रहा है वो क्या है? वो तो स्कूल है ना। स्कूल है? स्कूल है। अच्छा, तो ये स्कूल में बच्चे कैसे जाते हैं पढ़ने के लिए? बच्चे कैसे जाते हैं आप तो देख ही रहे हो, पानी भरा हुआ है, पानी में इतना डारमर पानी में हेल के जाता है, न कुछ करता है, न टीचर लोग भी कुछ। अच्छा, तो एक बात बताइए, इसके लिए दूसरा और कोई रास्ता
इसका रास्ता है ही नहीं, इसी में हेल के जाएगा, इसी में हेल के आएगा, दूसरा रास्ता। अच्छा, इस विद्यालय का क्या नाम है पता है? प्राथमिक विद्यालय बसुआ। अच्छा, ये बसुआ प्राथमिक विद्यालय अलीनगर मुख्यालय से बिल्कुल महज सटा हुआ है। सटा ही हुआ है अलीनगर से। इसमें तो बच्चा के डूबने का भी खतरा है फिर तो? डूबने खतरा है ना, ये गहरा हुआ है, बहुत गहरा है, इधर पानी भरा हुआ है, किधर से जाएगा, रास्ता वास्ता कुछ है भी नहीं। तो फिर इसको लेकर के आप लोग कभी, आपके बच्चे पढ़ते होंगे तो इसको लेकर के आप लोग कभी जो है सो आवेदन वगैरह वीडियो वगैरह को नहीं दिए? नहीं, अभी वीडियो नहीं दिए हम, कभी नहीं इसको लेकर के दिए। ये तो जब भी वर्षा होता होगा ये पानी जो है होने के कारण ये स्कूल अवरुद्ध हो जाता होगा। अवरुद्ध ही होगा ना, अभी तो बंद ही हुआ है, अभी तो कुछ दिन तो स्कूल बंद ही है, कि शनिवार था, ये पानी में हल्का ऐसे भी जाता है तो क्या करेगा, पानी भरा जाएगा तो स्कूल कैसे जाएगा फिर। ये विद्यालय कुल मिला के कहा जाए तो बरसात के समय में बंद ही रहता है, बंद ही रहता है, क्योंकि आने जाने का रास्ता ही नहीं है। ये अभी बैकग्राउंड में दिख रहा है कि यहाँ जो है एक भैंस वो उस पार। आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी नहीं बदला है अलीनगर का सहजौली गांव। अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के अलीनगर पंचायत के सहजौली गांव में आज भी लोगों के मानसिकता में नहीं आया कोई बदलाव, स्वच्छता अभियान का नहीं हुआ कोई असर। आज भी लोग सड़कों पर बैठकर स्वच्छता अभियान को दे रहे हैं खुला चैलेंज। ज्ञात हो कि पंचायती राज में सहजौली गाँव के लोग लगातार मुखिया रहे, जिला परिषद सदस्य बने, अब प्रमुख भी हैं, परंतु दिशा व दशा में अब तक कोई बदलाव नहीं आया। गांव के लोगों ने गांव में शौचालय निर्माण की पोल खोल दी है। अब सुनिए गांव के लोगों की जुबानी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। कौन सा गांव है ये? सहजौली। सहजौली है ये? प्रॉपर सहजौली है या सहजौली का हटा हुआ क्षेत्र है? ना, प्रॉपर सहजौली है, साकिन सिसौनी है। ये गांव सहजौली है? ये गांव सहजौली है। अच्छा, इस ये रास्ते पे इतना गंदगी क्यों है? गंदगी है जो आप यहाँ प्रयागवास का लेटरिन का दिक्कत प्रॉब्लम है। अच्छा, तो क्या इस गांव में जो है लोगों के पास शौचालय नहीं है? शौचालय बहुत कम है सर। अच्छा, सरकार पैसों देने के बारे में बोला था, सब लाइन लगा करके थका हुआ है, वो भी नहीं हो सका ही गांव में। अच्छा, शौचालय निर्माण कराने के बाद लोगों को पैसा नहीं मिला? नहीं मिला, बहुत के नहीं मिला, जो काबिल है वो निकाल ले रहा। अच्छा, इस आसपास में लोगों के पास शौचालय नहीं है? हाँ, आसपास में शौचालय है। तो फिर सड़क को क्यों गंदा किया जाए? सब के शौचालय में नहीं ना जाएगा, देहात है ना सर। अलीनगर स्वास्थ्य केंद्र को मिला 15 NM, वहीं पूर्व से 5 NM कार्यरत हैं। कुल मिलाकर अब अलीनगर में ANM की संख्या 20 हो गई है। बताया जाता है कि अलीनगर स्वास्थ्य केंद्र को अपने क्षेत्र के लिए 27 NM की आवश्यकता है, जिसमें अब कुल ANM की संख्या 20 हो गई है। फिलहाल अब भी 7 NM की आवश्यकता है व डॉक्टरों की भारी कमी है। बीते बुधवार को डेंटल डॉक्टर के रूप में भरत प्रसाद ने योगदान दिया, वहीं अब तक 15 में से 11 NM ने योगदान दिया है, जिसमें जंतीपुर दात के लिए राखी कुमारी एवं ममता कुमारी, हरियट के लिए शोभा कुमारी, नरमा के लिए कुमारी शोभा सिन्हा व कुमारी जय भारती, हरसिंहपुर के लिए कुंदन कुमारी, गरौल के लिए सीमा कुमारी, अलीनगर PHC के लिए रिंकी कुमारी, दसौत के लिए अनीता कुमारी, मोतीपुर के लिए बेबी कुमारी व PHC के लिए ज्योति कुमारी ने अपना अपना योगदान दिया है। वहीं अलीनगर PHC में पूर्व से सोनी कुमारी रशीदपुर के लिए, राज रूबी रशीदपुर के लिए, शांति कुमारी मिल्की के लिए, बबीता कुमारी मिल्की व निर्मला कुमारी हरसिंहपुर में कार्यरत हैं।